नमस्कार, तंत्रागम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक प्राचीन ज्योतिष धारणा के बारे में, काल सर्प दोष। इस दोष का असर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार से होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोष कैसे बनता है? तो वीडियो को ध्यान से देखें, और आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। काल सर्प दोष तब होता है जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह एक ही दिशा में स्थित होते हैं और राहु केतु ग्रह के बीच में आते हैं। इस दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि व्यावसायिक, स्वास्थ्य या प्रेम संबंधी समस्याएं। अब आपको बताते हैं काल सर्प दोष के लक्षण क्या होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं, इस व्यक्ति को अक्सर सपने में मृत लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो यह भी दिखाई देता है कि कोई उनका गला दबा रहा हो। जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष होता है, उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और जब उसको जरूरत होती है तब उसे अकेलापन महसूस होता है। काल सर्प से पीड़ित व्यक्ति के कारोबार पर काफी नकारात्मक असर पड़ता है। इसे व्यापार में बार बार हानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नींद में शरीर पर सांप को रेंगते देखना, सांप को खुद को डसते देखना, बात बात पर जीवन साथी से वाद विवाद होना। इसके अलावा काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को सपने में बार बार लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होता है। साथ ही सिर दर्द, त्वचा रोग आदि भी काल सर्प दोष के लक्षण हैं। अब चलिए जानते हैं इस दोष से मुक्ति के लिए क्या क्या सरल उपाय हैं। काल सर्प दोष के उपाय में मंत्र जाप, दान धर्म और पूजा पाठ शामिल होते हैं। इन उपायों को नियमित रूप से करने से व्यक्ति को इस दोष से छुटकारा मिल सकता है। काल सर्प दोष को दूर करने के 20 सबसे असरकारक उपाय इस प्रकार है। काल सर्प योग शांति के लिए नागपंचमी के दिन व्रत करें। काले नाग नागिन का जोड़ा सफेरे से मुक्त करके जंगल में छोड़ दें। चांदी के नाग नागिन के जोड़े को बहते हुए दरिया में बहाने से इस दोष का शमन होता है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है, के दर्शन करें। अष्ट धातु या कांसे का बना नाग शिवलिंग पर चढ़ाने से भी इस दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन रुद्राक्ष माला से शिव पंचाक्षर मंत्र AUM नमः शिवाय का जप करने से भी इसकी शांति होती है। यदि शुक्ल यजुर्वेद में वर्णित रुद्री पाठ द्वारा नाग पंचमी के दिन उज्जैन महाकालेश्वर की पूजा की जाए तो इस दोष का शमन होता है। शिव के ही अंश बटुक भैरव की आराधना से भी इस दोष से बचाव हो सकता है। घर की चौखट पर मांगलिक चिन्ह बनवाने, विशेषकर चांदी का स्वास्तिक जड़वाने से शुभता आती है, काल सर्प दोष में कमी आती है। पंचमी के दिन 11 नारियल बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से काल सर्प दोष दूर होता है। यह उपाय श्रवण माह की पंचमी अर्थात नाग पंचमी को करना बहुत फलदायी होता है। किसी शुभ मुहूर्त में ओम नम शिवाय की 21 माला जाप करने के उपरांत शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करें और शिव को प्रिय बेलपत्र आदि श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। साथ ही तांबे का बना सर्प शिवलिंग पर समर्पित करें। श्रावण महीने के हर सोमवार का व्रत रखते हुए शिव का रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पर तांबे का सर्प विधिपूर्वक चढ़ाएं। श्रावण मास में 30 दिनों तक महादेव का अभिषेक करें। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में दही से भगवान शंकर पर हर हर महादेव कहते हुए अभिषेक करें। श्रावण मास में रुद्र अभिषेक कराए एवं महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप रोज करें। नाग पंचमी एवं प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की पंचमी के दिन ओम कुरुकुल्य हूँ फट स्वाहा मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इससे काल सर्प योग के दुष्प्रभाव में कमी होती है। नाग पंचमी के दिन नागदेव की सुगंधित पुष्प व चंदन से ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नागदेव को सुगंध बहुत प्रिय है। इससे नाग देवता प्रसन्न होते हैं और काल सर्प दोष में कमी आती है। जिस भी जातक पर काल सर्प दोष हो, उसे कभी भी नाग की आकृति वाली अंगूठी को नहीं पहनना चाहिए। हर शुक्रवार को रात को अपने सिरहाने के पास कुछ जौ के दाने बर्तन में रखकर सो जाए और शनिवार को मन ही मन ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः कह के पक्षियों को जौ के दाने डाल दे, काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। सर्प सूक्त से उनकी आराधना करें।
श्री सर्प सूक्त को हमने विशेष डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप वहां से ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखिए और लाभ प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।